जी हाँ दोस्तों, जब NIOS में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेने जाता है तो एक जो मूल समस्या उनके सामने आती है वो सबसे पहले ये आती है कि क्या क्या सब्जेक्ट वो चूज़ करना चाहते हैं। उनको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारे पास टेंथ में कुछ ये सब्जेक्ट थे, इस बेसिस पे हमें NIOS बोर्ड में क्लास ट्वेल्थ में ये सब्जेक्ट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। या फिर उनको ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि किस ग्रुप से हमें कितने सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। जैसे अगर आप ये स्क्रीन में देख रहे हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग आपको ग्रुप बना के दिखा दिए हैं। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। यहाँ पे ये पांच ग्रुप है, इन पांच ग्रुप में से ही आपके सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। जब हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं और अगर हमारे पास सही जानकारी नहीं है तो हम गलत ग्रुप से जो है सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और बाद में जब ये रिजल्ट आता है तो वहाँ पे हमको पांच सब्जेक्ट पास करने के बाद भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो समझना। इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली ये करने जा रहा हूँ कि किस ग्रुप से आप कितने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और लास्ट में इस वीडियो में ये बताऊँगा कौन से ऐसे पाँच सब्जेक्ट हैं जिनको लेकर NIOS बोर्ड में बहुत इजीली पास किया जा सकता है, वो सब्जेक्ट भी आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल आपका VCIC गुरुजी। जो लोग नए आए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के, क्योंकि क्लास टेंथ का भी अगर मैं इसी में जोड़ दूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो आप देखते नहीं हो। तो इस वीडियो में सिर्फ हम क्लास ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन में जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ आपको कि ग्रुप ए, सबसे पहले अगर ग्रुप ए में देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट जो आते हैं इन्हें लैंग्वेज सब्जेक्ट बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन से हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, तमिल, उड़िया और पंजाबी। ये हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो कि 9 लैंग्वेज यहाँ पे दिए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप मैक्सिमम कोई भी दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कोई भी दो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट इंग्लिश या हिंदी लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बंगाली में, गुजराती में या तमिल में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उन सारे स्टूडेंट को एक जानकारी दे दूँ कि आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इनको तो आप ले सकते हो, इन चारों में से कोई भी दो सब्जेक्ट आप ले सकते हो। लेकिन गुजराती, बंगाली, तमिल, उड़िया और पंजाबी, यानी कि ये जो हमारी जो रीजनल लैंग्वेज हैं, इन रीजनल लैंग्वेज में से आप कोई भी एक ही चूज़ कर सकते हो। उसका कारण ये है क्योंकि इन पांचों लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो एक ही दिन एक ही समय में होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप गुजराती भी ले लें और बंगाली भी ले लें। तो आपको इन पांचों में से कोई एक चुनना होता है और बाकी बचे हुए जो ये चार सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, उनमें से एक लेना होता है। आप इसमें मैक्सिमम दो और मिनिमम एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगले लेवल में आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में अगर आप देखो तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स, अगर हम बोले तो मेन कोर्स के सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे मैथमेटिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, पेंटिंग और डाटा एंट्री ऑपरेशन। अब इन सब्जेक्ट्स में अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एस्ट्रिक लगा हुआ है। तो जिनके ऊपर एस्ट्रिक लगा हुआ है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल भी होने हैं आपके। अब इस ग्रुप में से आप कितने भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर एक सब्जेक्ट एक ग्रुप में ले लिया होगा, तो आप मैक्सिमम यहाँ से चार सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ग्रुप सी में। ग्रुप सी में देखो अगर, तो आपको तीन सब्जेक्ट दिए गए हैं, फिजिक्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब यहाँ पे फिजिक्स और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के साथ तो प्रैक्टिकल है क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक दिया हुआ है, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बता दूँ, इन तीनों में से केवल आप एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कंडीशन दोबारा वही है कि इन तीनों का पेपर एक ही दिन एक ही समय में होता है। तो ऐसी गलती कभी ना करें कि आप जो है दोनों सब्जेक्ट वहाँ पर चूज़ कर लें। फिर उसके बाद आते हैं ग्रुप डी में। तो अगेन ग्रुप डी में सब्जेक्ट दिए हुए हैं केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और मास कम्युनिकेशन। और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पे केमिस्ट्री और मास कम्युनिकेशन में तो प्रैक्टिकल होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में क्लास ट्वेल्थ में कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अब यहाँ पर भी आप इन तीनों में से केवल एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान देना है। फिर ग्रुप ई में भी सेम कंडीशन है, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी और इंट्रोडक्शन टू लॉ। इसमें आपको अगर देखें तो सिर्फ बायोलॉजी में आपका प्रैक्टिकल मिलेगा, बाकी अकाउंटेंसी और इंट्रोडक्शन टू लॉ में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। और साथ ही साथ में इन तीनों में से भी मात्र आपको एक ही सब्जेक्ट चुनना होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं अंतिम ग्रुप में, जो ग्रुप एफ है। तो ग्रुप एफ में दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस। और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस। इन तीनों में से भी आपको केवल एक ही कोई सब्जेक्ट चूज़ करना होगा।
तो यानी कि हमको यहाँ पे पूरी एक जो है सब्जेक्ट जो चूज़ करने के लिए बहुत सारी गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप बिना गाइडेंस के बिना किसी एक्सपर्ट के जो है सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ऐसे जुड़ते हैं बाद में, जो पूरे साल भर एग्ज़ाम देने के बाद जब मार्कशीट आती है तो 5 सब्जेक्ट ऊपर तो पास दिखा रहा है लेकिन नीचे रिजल्ट में एक्स 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 और एक्स लिखा होता है, यानी कि वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। ऐसा कब होता है? जब आप लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 से ज़्यादा चूज़ कर लेते हैं, आपने ऐसे सब्जेक्ट ले लिए जो एक ही ग्रुप में जो है थे। तो इस तरीके की गलती आप ना करें, उसके लिए कभी भी हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें, हम आपको डिटेल में जरूर बताएंगे। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे सब्जेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ईजी है क्लास 12th को पास करने के लिए NIS बोर्ड में, और क्यों ये ईजी है और कैसे इसमें पास हो जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर मैं अगर मैं सब्जेक्ट वाइज चूज़ करूँ तो सबसे पहले मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि उनको जो है साइंस से ही करना है या कॉमर्स से ही करना है या आर्ट से ही करना है। उनको सिर्फ यह है कि सर हमें क्लास 12th का जो है मार्कशीट मिल जाए, हम लोग क्वालिफाई कर जाए, ये हमको चाहिए है और हमारे पास हम हो जाए। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ वो है पेंटिंग। जी हाँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर पेंटिंग तो हमने कभी करी नहीं है, ड्राइंग हमें आती नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कोई बहुत ज़्यादा पेंटिंग यहाँ पे नहीं बनानी होती है, यहाँ पे पेंटिंग्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। अब आप बोलोगे सर हमने फिर पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो जी नहीं, पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो टोटल 100 मार्क्स है उसमें से 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। जी हाँ, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और जब प्रैक्टिकल फाइल आप हमसे लेते हैं या हमारा सॉल्व PDF फाइल के थ्रू आप जब वो प्रैक्टिकल बना के सबमिट करते हैं तो हमारा एश्योरेंस रहता है वहाँ पे कि 70 में से आपको जो है 50, 55, 60 और 65 तक नंबर मिल ही जाते हैं। 50 से ऊपर की गारंटी हम आपको देते हैं कि हर एक प्रैक्टिकल फाइल में हमारे आपको मिल जाएगी। तो यानी कि जहां आपके एक और 50 नंबर आ गए, अब आपको थ्योरी का एग्ज़ाम देने जाना है और थ्योरी का एग्ज़ाम जो आएगा वहां पर वो आएगा सिर्फ 30 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। इस 30 में से मात्र आपको 9 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। हाँ, इसमें से 30 में से 20% वेटेज TMA का भी होता है, जो टोटल मार्क्स असाइनमेंट आपने बनाए होते हैं उसमें भी जो आपको मार्क्स मिले होते हैं उसका भी जो है मार्क्स इंक्लूड होता है, लेकिन वो बाद में होता है क्योंकि क्लास 12th में सेपरेटली आपको थ्योरी में पूरा 33% लाने हैं, यानी कि आपको जो भी 30 नंबर का पेपर आएगा उसमें से 9 नंबर आपके आने चाहिए, और जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें 70 मार्क्स का है तो 70 में से जो भी 33% बनता है वो आपके आने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में तो आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, 101% कोई भी कभी इस सब्जेक्ट में फेल नहीं होता है। अगला सब्जेक्ट मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे होम साइंस। अब होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको बताया कि हमको डिफरेंट रेसिपीज के बारे में पढ़ाता है, मेडिकल एड्स कैसे यूज़ करा जाता है, घर में हमें क्या चीज़ों को सफाई रखनी चाहिए, कैसे हाइजीनिक से जो है इन्वायरमेंट बना के रखना चाहिए, उन सब के बारे में होम साइंस में जो है पढ़ाई होती है। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर फिर इतना सारा थ्योरी हम कहाँ से पढ़ेंगे? अरे नहीं बाबा, पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बार फिर दोबारा से प्रैक्टिकल जो है आपका होता है 20 मार्क्स का। अब 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आया है तो उसमें से बचे हैं 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम आएगा, 80 मार्क्स में से आपको जो भी 33% बनता है, लगभग 27 नंबर होता है, वो आपको पास होने के लिए लाना होता है, जो बहुत इजीली आ जाते हैं। आप कुछ भी वहाँ पर जो है जो रेसिपीज आए हैं, जो घर के बारे में आप जानते हैं वो भी लिखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अपने आप डिस्क्राइब कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशंस नहीं होती आंसर्स की। यहाँ पे आप अपने मन के मुताबिक जो भी आपने मीडियम चुना है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है डाटा एंट्री ऑपरेशन। डाटा एंट्री ऑपरेशन एक कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। स्टूडेंट घबरा जाते हैं सर कंप्यूटर से फिर हमें लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, यानी कि हमें जो है पाइथन करना पड़ेगा, हमें जो है C++ करना पड़ेगा। जी नहीं, डाटा एंट्री ऑपरेशन एक बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई है, जहाँ पे बताया जाता है कंप्यूटर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, माउस क्या होता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, विंडोज़ क्या होते हैं, पावर पॉइंट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, और जो मैं आजकल की जो जनरेशन है हमारी जो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है इन सब चीज़ों से, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में या PC में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर चुके होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, इजी सब्जेक्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। जी हाँ, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल हमसे लीजिए, PDF फाइल लीजिए, उस PDF फाइल की गारंटी है आपको जो है 60 में से 50 में से अबव मार्क्स मिल ही जाएंगे।
अब बचते हैं आपके 40 मार्क्स। इस 40 मार्क्स का आपको थ्योरी एग्जाम देना होता है, जिसमें मात्र 12 मार्क्स आपको लाने होते हैं, और जो है आप इस सब्जेक्ट में भी आसानी से पास हो जाते हैं। तो ये तीन सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए, ये थे आपके पेंटिंग, डाटा एंट्री और होम साइंस। इन तीनों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल मिल जाएगा। उसके बाद जो मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं ये सजेस्ट करता हूँ क्योंकि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको लेना अनिवार्य है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश ले लीजिए, और अगर दोनों ही सब्जेक्ट आपके लिए जो है ईजी रहते हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ले लीजिए। लेकिन इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, पूरा 100 मार्क्स का पेपर आता है, 33 मार्क्स आपको लाने होते हैं, 3 घंटे का ये पेपर होता है। हाँ, अगर आप चाहें तो, अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश ले लीजिए, और उसके बाद कोई एक और सब्जेक्ट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं किसी भी ग्रुप में से। और मैं चाहूँगा कि अगर आप जब भी सब्जेक्ट चूज़ करें तो ऐसा सब्जेक्ट लें जिसमें प्रैक्टिकल हो, क्योंकि प्रैक्टिकल आपकी परसेंटेज बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और जो है उससे आसानी से पास हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ आपको, तो क्लास 12th में ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे आपका, तो आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री, बायो, ये तो सब थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इनको मैं नहीं बोलूँगा, रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस और ज्योग्राफी, इन दोनों में से आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से अगर 5 सब्जेक्ट रहेंगे तो 2 कैटेगरी मैं आपको देता हूँ। ए कैटेगरी तो ये देखिए, जिसमें आपको दे रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, पेंटिंग, डाटा एंट्री और होम साइंस। या फिर आप बी कैटेगरी चुन लीजिए, जिसमें आपका जो है आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट ले लीजिए, और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस में से एक सब्जेक्ट ले लीजिए, और उसके बाद आपका पेंटिंग, डाटा एंट्री और होम साइंस पास हो के रहोगे, ये हमारी BCIC गुरुजी की गारंटी है। और अगर आप में से कोई भी नया आया हो, इस तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और इसी तरीके की मैं वीडियोज़ मैंने क्लास 10th के लिए भी बनाई हुई है, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा अगर क्लास 10th के आप स्टूडेंट हो, और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो सारी जानकारी यहाँ पर मिल चुकी है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरीके की वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।